नहीं लेके तब भी तो फ्रेंड्स आज यूवी के स्कूल में एक प्रोजेक्ट है जो कल मैंने रात को करीब 3 बजे तक बनाया है। थोड़ा पीछे होना बेटा। रात में मैंने इसको 3 बजे तक बैठ के बनाया है क्योंकि 11 बजे तक हमारा रात का डिनर ही हुआ था और उसके बाद में मैंने इसको ये मैंने एक छोटा सा ट्री बनाया है और ये लीव्स मैंने लगाई हैं इसमें और साथ ही साथ इसके जो हैंड हैं ये जो लीव्स की स्टम होती हैं आती हैं। तो आज भी के स्कूल में प्रोजेक्ट है कि किंग ऑफ ट्री बनना है तो क्राउन बनाया है मैंने। ये ट्री बनाई है बड़ी सी, मैंने आप देख सकते हैं छोटा सा है, बहुत इतना हैवी नहीं बनाया क्योंकि इसको ले जाना है या घर से नहीं पहनना है। तो फाइनली सभी लोग अपने अपने काम पे जा चुके हैं और बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं और राघव भी अभी सो रहा है, थोड़ी देर के लिए सो रहा है, फिर थोड़ी देर में ही वो जग जाएगा। तो नाश्ता तो सबने कर लिया बट मैंने भी कुछ नहीं खाया है क्योंकि मैं पीऊंगी अपना मॉर्निंग ड्रिंक जो कि होगा मेरा एप्पल शेक विद ओट्स और वो मैं लेती हूँ सुबह सुबह। मैं बहुत हैवी नाश्ता नहीं ले रही हूँ इस टाइम पे क्योंकि मेरा थोड़ा सा फोकस वेट लॉस की तरफ है। हाँ, बहुत हैवी एक्सरसाइजेस अभी नहीं स्टार्ट की है, हल्का फुल्का वॉक कर रही हूँ और स्टेयर्स पे चल रही हूँ, बस इतना ही स्टार्ट किया है। और क्योंकि मेरा वेट धीरे धीरे मुझे लग रहा है मैं वेट गेन करती जा रही हूँ और आपको तो पता है मेरा राघव सी सेक्शन से हुआ है इसी वजह से। सो मैं भी आपको दिखाने जा रही हूँ कि मैं जो अपना मॉर्निंग ड्रिंक लेती हूँ और वो मैं कैसे बनाती हूँ सुबह सुबह, तो देखिए। यहाँ पर मैंने लिए है एक एप्पल जिसको पील कर लिया है और पील करने के बाद मैंने उसको कट कर लिया है और कुछ मैंने यहाँ पर बादाम लिया है और मैंने यहाँ पर लिया है 2 खजूर जिसके मैंने शीट्स अलग कर दिए हैं। अब मैं इसको ब्लेंडर में डालूंगी और अपने लिए ये शेक तैयार करूंगी। इसमें मैंने दूध नहीं डाला है, इसको मैं विदाउट मिल्क बनाऊंगी और बस मुझे जितना चाहिए मैं अपने लिए उतना ही बनाऊंगी। और साथ ही साथ ओट्स साथ में मैंने इसमें 4-5 टेबल स्पून ओट्स के डाले हैं। और इसके साथ में मैं डालूंगी कुछ आइस क्यूब्स थोड़े में अभी डाल दूंगी, थोड़े में ऊपर से डालूंगी और मैं इसको ब्लेंड कर दूंगी। फ्रेंड्स अगर आपको भी मेरे तरह सुबह सुबह एप्पल खाने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि मेरे दांत खट्टे हो जाते हैं मैं अगर सुबह सुबह एप्पल खाती हूँ तो आप ये ले सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा वेट लॉस ड्रिंक है और ये आपका ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छे से आपका टमी फुलफिल कर देता है क्योंकि इसमें ओट्स है, काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है ओट्स में और आपको तो पता ही ये बादाम और एप्पल वेट लॉस में भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो आप इसको बिल्कुल आँख मुन करके ले सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा होता है। क्या हुआ? अरे ये क्या हुआ? रेड रेड फेस क्या हुआ? मैम ने क्या कहा बताओ? कहा क्या? ट्री बने थे? हाँ। ऐसे पूरा पहना था? रुक जा, ट्री बने थे? हाँ। पूरा पहना हुआ था क्या? हाँ। किसी ने तारीफ नहीं की? बहुत अच्छा ट्री बना है उसने की। और फ्रेंड्स यहाँ पर यूवी आ गया था और इतनी धूप बढ़ गई है आजकल, इतनी गर्मी हो गई है कि देखिए इसका फेस बिल्कुल रेड रेड सा हो गया है और इसने 1 घंटा भी आराम नहीं किया होगा और फिर चला गया ये अपने डैडी के साथ ऊपर पतंग उड़ाने के लिए क्योंकि आज इनके डैडी भी बहुत जल्दी आ गए थे। तो ये देखिए क्या हो रहा है मेरी छत पर आज। मेरा सनग्लासेस लगा के ये हंसी देखे, लाखों में करोड़ों करोड़ों में दो और ये छोटे हमारे सम्राट जी। मजाक ना उड़ाइएगा, मजाक नहीं उड़ाते हैं आपका हम। गाइस अभी जो पंगा हो गया है ये हमारी ऊपर जो है पतंग अभी उससे लड़ने वाली थी, मैं अभी लेट डूबता, रुको मैं फ्लैश। ये वाली जो हम लोग की है और ये वाली ये
पता नहीं कौन है, ये शायद हम लोग से पंगा करना चाहता है, लेकिन बहुत सही घमासान युद्ध। और ये मिस्टर ब्लैक महाशय हारते हुए जहाँ तक हमें डैडी जीतेंगे, डैडी पतंगा भी करते हुए और हम लोग की छूट गई। ओके तो यहाँ पे WWE टाई हो गया, आप देख सकते हो कौन है, आप मंजर पे रखे। सो अभी कोई कैमरा मैन ढूंढे, ये डैडी बहुत लगाने के लिए आपको इनवाइट कर रहा है, डैडी कोई आपको इनवाइट कर रहा है। मान गए, मुझे लग रहा है कि आप क्रैश हो गए हैं। ओहो लपेट गई गाइस, देख सकते हैं काट दिया क्या, बहुत सही बीच से काट दिया, लेकिन तब भी अभी डैडी की पतंग फिर से टेक ऑफ हो चुकी है, आई होप उड़ जाए। तो गाइस अब देख सकते हैं अभी जो है हमारी पतंग जो है कट गई थी, सो बिकॉज कटने की वजह से फिर से टेक ऑफ किए हैं, ये लंबा हो रहा है आप देख सकते हैं। पतंगबाजी में मजा बहुत आता है। तो फ्रेंड्स बच्चे पतंग उड़ाकर नीचे आ चुके हैं और ये भी हैं, ये भी आ चुके हैं, ये रूम में बैठे हुए हैं। तो मैंने सभी को चाय बना के दे दिया है, दीदी अपने रूम में पी रही हैं और ये और बच्चे अपने रूम में पी रहे हैं। इन्हें काफी थक गए इसलिए आराम कर रहे हैं, सॉरी हिचकी आ रही है, पता नहीं क्यों पानी पिया बट तभी भी आ रही है। दीदी की फरमाइश है, ननद रानी की फरमाइश आई है कि उन्हें खाना है आज KFC चिकन घर पर, तो जो मैं बनाती हूँ उन्हें मेरे हाथ का KFC चिकन बहुत पसंद है, और उसके साथ में ही मैं बनाऊंगी ग्रेवी वाला चिकन जो कि हांडी चिकन ग्रेवी होगा, तो क्योंकि वो ड्राई हो जाएगा और उसके साथ में कुछ ग्रेवी वाला चाहिए इसलिए मैं बनाने जा रही हूँ हांडी चिकन ग्रेवी, तो वो मैं बनाऊंगी। तो चिकन मैंने वॉश करके रख दिया था, साथ ही साथ मैंने उसमें कुछ मसाले डाल करके उसको सोक करके रख दिए थे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और छत पर चलते हैं तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने उसको कैसे क्या किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने करीब 2 kg चिकन लिया है, इसको मैंने अच्छे से वॉश किया, उसके बाद में मैंने इस पानी के अंदर 2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर लिया है, जो डेगी मिर्च हम नॉर्मल किचन में यूज़ करते हैं ये वो है, साथ में मैंने 1 चम्मच लेमन जूस डाला है और 1 चम्मच सॉल्ट डाला है। इसमें मैंने इसको आधे घंटे तक सोक करके रख दिया है। अब हमने यहाँ पर लिया है मैदा, तो यहाँ पर हम बनाएंगे 2 तरह के मैरिनेशन, एक होगा वेट एंड एक होगा ड्राई, तो यहाँ पर हम बना रहे हैं वेट वाला। तो इसमें मैंने लिया 1 चम्मच ऑरिगेनो और 2 चम्मच चिली फ्लेक्स, क्योंकि मेरी चिकन की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है इसलिए मैंने इतना लिया है। साथ ही साथ मैंने लिया है 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये मैंने भर के 2 टेबल स्पून लिया है। साथ में मैंने डाला है इसमें ग्रीन चिली पेस्ट, और साथ में मैंने इसके डाला है डेगी मिर्च 1/2 टीस्पून है, क्योंकि मैंने चिली फ्लेक्स इसमें अच्छे से डाला है। और अब मैं डालूंगी इसमें ऑनियन पेस्ट, ये भी 1 टेबल स्पून डालूंगी मैं। और इसके साथ में मैंने डाला है ब्लैक पेपर, अगर आपको ब्लैक पेपर बिल्कुल ना पसंद हो तो आप इसको बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और साथ में मैं डालूंगी इसमें हींग और थोड़ा सा गरम मसाला, ये मेरे घर का होममेड गरम मसाला है इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा डाला है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 अंडे, मेरे पास 2 kg चिकन है इसलिए मैं इसमें 2 अंडे डालूंगी, अगर आप 1 kg चिकन का बना रहे हैं तो आप इसमें 1 अंडे डालिएगा, तो क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके बाद इन सब चीज़ों को खूब अच्छे से मिला लीजिएगा आप, ठीक है। हाँ, मैंने एक बात का ध्यान रखना है कि मैंने इसमें सॉल्ट नहीं डाला है, क्योंकि मैंने जब चिकन सोक किया था तो मैंने उसमें सॉल्ट डाला था, इसलिए मैं इस वेट मैरिनेशन में सॉल्ट नहीं डालूंगी, जो मेरा ड्राई मैरिनेशन रहेगा मैं उसमें सॉल्ट डालूंगी, तो इस बात का ध्यान आपको ज़रूर से रखना है। तो अब इसके बाद में वो जो मेरा चिकन है जो मैंने आधे घंटे से भी ज़्यादा हो गया मुझे, वो मैं निकाल करके मैं अब इसमें अच्छे से मैं इसको मैरिनेट कर दूंगी। मैरिनेट करने के बाद फिर से आपको इसको आधे घंटे तक ऐसे ही छोड़ देना है, ताकि जो फ्लेवर जितना भी हमने ये मैदे में डाला हुआ है ये खूब अच्छे से चिकन के अंदर जा सके और उसका टेस्ट ले सके। सो बस मैंने इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए
रख दूंगी। बट हाँ, ये देखिए जो भी मैंने यहाँ पर ड्राई इंग्रेडिएंट लिए थे तो वो बहुत ड्राई हो रहे थे, तो उसके लिए मैंने इसमें सोडा वाटर डाला है, ये प्लेन सोडा वाटर डाला है मैंने यहाँ पर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको डालना ही डालना है, ये आप इसके बिल्कुल नहीं कर सकते हो। और ये देखिए गाढ़ा सा एक थिक सा एक बैटर जो पूरी तरीके से चिकन को कोट करता हुआ है ये मैंने बनाया, देखिए कहीं से भी ये बह नहीं रहा है। तो अब मैं इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। और अब ये मैंने लिया यहाँ पर अगेन 750 ग्राम मैदा, और इसमें मैंने सिर्फ सॉल्ट डाला है। सॉल्ट डालने के बाद मैंने ये जो मेरा तैयार चिकन था ये मैंने इसको निकाला, और इसकी डस्टिंग करते हुए मैं इस पर पूरी तरीके से कोट करूँगी मैदा। अब इस जगह पर एक ख़ास ट्रिक ये मैं आपको बताऊँगी कि जब आप इसके ऊपर ड्राई डस्टिंग कर रहे होंगे तो आपको इसे खूब प्रेस करके इसकी डस्टिंग करनी पड़ेगी, इसकी कोटिंग करनी पड़ेगी। इससे होगा क्या कि जैसे आप KFC में जो चिकन खाते हैं तो उसके ऊपर का जैसा टेक्सचर होता है, तो सेम ऐसा टेक्सचर ये फ्राई होने पर निकल करके आएगा। ये देखिए मैंने आपको एक दो पीस करके बता भी दिया यहाँ पर, और ये मैंने 5 या 6 पीस ऐसे तैयार कर लिया था। एक बैच तैयार करने के बाद मैं इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर 7 से 8 मिनट तक पलटते हुए मैं इसको सेकूँगी, तब तक सेकूँगी जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाते हैं। फ्रेंड्स आप देखिए मैंने इसको कितना ज़्यादा प्रेस कर करके मैंने इस चिकन के ऊपर डस्टिंग की है। तो ऐसा आप ज़रूर करिए, अगर आप सिर्फ हल्का सा ऊपर से पाउडर की डस्टिंग कर देंगे फिर फ्राई कर देंगे तो उससे आपकी जितना भी ऑयल रहेगा वो चिकन के अंदर चला जाएगा और बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं होगा, वो सॉगी हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स इसका टेक्सचर अभी से ही बिल्कुल KFC स्टाइल चिकन का हो गया है, और बस अब इसको फ्राई करने की बारी है। मेरा जो गैस बर्नल है वो बहुत तेज़ नहीं चलता है, इसलिए मेरा हाई फ्लेम भी मीडियम फ्लेम के बराबर रहता है। तो आप अपने गैस बर्नल के हिसाब से ही अपने चिकन को फ्राई करें, बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। और अगर आपका बर्नल बहुत ज़्यादा तेज़ जलता है तो आप उसको मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करें, नहीं तो वो बाहर से तो कलर उसका चेंज हो जाएगा बट अंदर से वो कच्चा रह जाएगा। तो इस बात का ध्यान आपको देना है कि आपकी गैस का बर्नल किस स्पीड से जल रहा है। और ये देखिए साथ ही साथ मैं यहाँ पर साइड में बना रही हूँ चिकन हांडी ग्रेवी, और इसकी रेसिपी भी मैं अभी आगे आपसे बताऊँगी, शेयर करूँगी कि मैंने इसको कैसे बनाया है। बट अभी कॉन्सेंट्रेशन अभी मेरा चिकन KFC चिकन की तरफ है। और ये देखिए फ्रेंड्स कितने ज़्यादा टेस्टी अभी से देखने में ही लग रहे हैं, और बिलीव मी फ्रेंड्स ये इतने ज़्यादा क्रंची और इतने ज़्यादा टेस्टी थे कि आप KFC चिकन बाहर जाकर खाना भूल ही जाएंगे। और सच में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे, आप इसको ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने इसको कैसे बनाया और आपको इसका टेस्ट कैसा लगा, क्या डिफरेंस है दोनों में, घर वाले KFC चिकन में और बाहर वाले में। और बस मैं यहाँ पर प्लेटिंग कर रही हूँ क्योंकि हमारे खाने वाले जो लोग हैं वो बस रेडी हो चुके हैं खाने के लिए, बेकरार हैं इसको, तो बस मैं उनको खिलाने के लिए जा रही हूँ। और बस मेरा KFC चिकन तैयार था, और अब मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी कि मैंने हांडी चिकन करी के लिए क्या किया है। मैंने यहाँ पर डाला है 5 टेबल स्पून ऑयल, ये नॉर्मली हम जो घर में मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं ये फ्रेंड्स ये वही है। उसके साथ में मैंने यहाँ पर डाला है करीब 2 बड़े साइज़ का ऑनियन, और ये देखिए मैं ऊपर रूम में हूँ फ्रेंड्स यहीं पर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे यहाँ अलग बनता है। और अब मैं डालूँगी इसमें खड़े मसाले जिसमें तेज़पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी और जायफल का एक छोटा सा टुकड़ा, और मैं इसको प्याज के टाइम पे ही भूनते हुए डाल दूँगी ताकि ये जो खड़े मसाले हैं इनका अरोमा प्याज में अच्छी तरीके से मिल जाए। और ये तो आपको पता ही फ्रेंड्स कि प्याज भूनते समय आपको नमक ज़रूर डालना चाहिए ताकि वो अच्छे से कैरमलाइज हो जाए और अच्छे से कुक हो जाए। तो मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है और मैं इसको लाइट गोल्डन होने तक भूनूंगी। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर ऐड करूँगी ग्रीन चिली पेस्ट, करीब ये है 1.5 टीस्पून, ऑनियन पेस्ट है 2 टीस्पून, गार्लिक पेस्ट है 2 टीस्पून एंड जिंजर पेस्ट है 1 टीस्पून। ये मैंने सबको एक कटोरी में मिक्स करके रख लिया था, और अब मैं इसको खूब अच्छे से भूनूंगी। और अब मैं इसमें डालूंगी सूखे मसाले, जिसमें मैंने डाला रेड चिली पाउडर 2 टीस्पून, टर्मरिक पाउडर 2 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1.5 टीस्पून, क्यूमिन पाउडर 1 टीस्पून। तो ये मेज़रमेंट मेरा 2 kg चिकन के लिए है। अगर आप 1 kg चिकन का बना रहे हैं तो जो मसाले मैंने आपको बताए आप उसका हाफ क्वान्टिटी कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स मुझे यहाँ पर ऑनियन पेस्ट थोड़ा सा कम लग रहा था तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून ऑनियन पेस्ट भी बढ़ा लिया है।
फ्रेंड्स, अगर आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल खाना पसंद है, आपको ढाबे का चिकन अगर आपको बहुत पसंद आता है ना, तो उनकी जो स्पेशलिटी होती है वो होती है मसाला भूनने की। तो अगर आपको टेस्टी खाना खाना है, ढाबा स्टाइल चिकन खाना है, तो आप कभी भी मसाला भूनने की कंजूसी बिल्कुल ना करें। और मैंने करीब 15 से 20 मिनट तक धीमी आंच में मसाले को बहुत अच्छे से भूना है। और साथ ही साथ मैंने देखे यहाँ पर मैं चिकन भी फ्राई कर रही हूँ। और मसाला भूनने के बाद मैंने अब जाकर चिकन डाला है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मेरा 2 kg चिकन मैंने लिया हुआ है। और साथ ही साथ ये देखिए मैं भून भी रही हूँ, मैं मसाले को पे की तरफ भी मैं ध्यान दे रही हूँ, और साथ ही मैं अपना ये क्रिस्पी चिकन भी बना रही हूँ, KFC चिकन भी बना रही हूँ। और मैंने इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से भूना, और मैं चिकन अब मैंने इसको डाल दिया है, और अब मैं इसे 5 मिनट के लिए फुल फ्लेम करके ढक दूंगी ताकि इसके अंदर का जितना भी चिकन का पानी है वो रिलीज़ हो जाए, वो बाहर हो जाए। और थोड़ी देर के ढकने के बाद में अब मैं इसमें डालूंगी लेमन जूस, करीब ये पूरा 1 लेमन जूस है, 1 टेबल स्पून लेमन जूस है। तो फ्रेंड्स, लेमन जूस डालने से होगा ये कि हमारा चिकन टूटे फूटेगा नहीं, क्योंकि हमें इसको 15 से 20 मिनट तक की ढक कर मीडियम फ्लेम पर पकाना है। और 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसमें होममेड गरम मसाला 2 टेबल स्पून डालूंगी। और काफ़ी टाइम हो गया था, डिनर का टाइम हो गया था, एक्चुअली सब भूखे हो गए थे और सभी वेट कर रहे थे। तो बस मैं सबसे पहले मैं KFC चिकन सबको सर्व करूंगी, उसके बाद लोग अपना डिनर ख़त्म करेंगे। कैसा लगा? कैसा लगा बाबू, कैसा लगा? कैसा लगा पति देवता? लागो कैसा लगा? इतना बड़ा करो। सो फ्रेंड्स, फाइनली सबका डिनर कंप्लीट हो चुका है और सबको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। और मैं भी बस अपना लंच डिनर फिनिश कर रही हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा क्रिस्पी चिकन नहीं खा रही हूँ, KFC चिकन, क्योंकि मैंने आज से डाइटिंग अपना स्टार्ट किया हुआ है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कम से कम खाऊं ऑयली चीज़ें, बट बाकी लोगों के लिए मैंने बना दी थी और बाकी लोगों को बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी थी फ्रेंड्स। और एक बार जैसे मैंने बताया है, आप एक बार उसको वैसे ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और बाहर से आपको, इनफैक्ट बाहर से ज़्यादा टेस्टी आपको घर का क्रिस्पी चिकन लगेगा। और अगर आप किसी को ये नहीं बताओगे कि आपने इसको घर पर बनाया, तो वो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। मैं ये खा रही हूँ, बिलीव मी फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना हुआ है। और मैंने सिर्फ एक पीस खाया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैंने जो अपने से प्रॉमिस किया मैं वो तोड़ूँ। और मैं कोशिश कर रही हूँ मैं वेट लॉस करने की तरफ, सबसे पहले तो मैं अपने डाइट कंट्रोल करूँगी, देन एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगी, क्योंकि इस टाइम पे सभी लोग हैं, दीदी लोग हैं और राघव भी बहुत छोटू सा है, इसलिए मुझे एक्सरसाइज करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर खत्म। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करिएगा और बेल आइकन पर हिट करिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक मिलती रहे और आपका और मेरा साथ ऐसे ही बना रहे। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, राधे राधे, गुड ड्रीम्स। शायद हम लोग से पंगा करना चाहता है, लेकिन दैट इज़ नहीं, 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 नहीं